पके पेड़ पर पका पपीता, पका पेड़ या पका पपीता पकड़े अब दोस्तों एक बार बोटल सुनाइए, आप बोलो बेटा पके पेड़ पे पका पपीता, बोलो पके एकदम बोल दिया। नमस्कार जी, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ज्योतिराज गोविंद ब्लॉग में। तो दोस्तों आप सभी कैसे हैं, आशा है कि आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। हम लोग भी अच्छे हैं और अभी बहुत अच्छा चीज हो रहा है हमारे घर में, मतलब आप लोगों को दिखाते हैं। अभी देखिए ये हमारी बुटुल है, इसका नाम बुटुल है क्यों, और अभी ये है मैडम जी गुस्सा बहुत ही ज़्यादा अपनी मम्मा पे, क्योंकि इनकी मम्मा पकौड़ी खा गई है और बाकी खाली थैली इनके हाथ में पकड़ा दी है। इनका शकल देख लीजिए आप लोग, और इनकी मम्मा पीछे पनिशमेंट मिला हुआ है, आइए आप लोग दिखाते हैं। तो देखिए यहाँ पे ज्योति को मिला है पनिशमेंट कान पकड़ के खड़ा रहने के लिए, और बाकी इनको बहुत ज़्यादा खुशी मिल रही है पनिशमेंट देख के। थोड़ा अपना चेहरा दिखाइए जी, ए बुटुल माफ कर दो, मम्मा को बोल दो कि माफ कर दिए, बोल दीजिए, बोल दो, बोल दो। और दोस्तों देखिए आप मैडम जी का गुस्सा शांत होने का नाम ही ले रहा है। और बाकी अभी ये दो दिन पहले गुड्डे और फ्रॉक के लिए घिसाई थी, दो दो बज रात के दोस्तों उठ के रो रहे फ्रॉक के लिए। तो अभी ले जा रहे हैं मैडम जी को मनाने। ए बुटुल चलिए चलिए, होता दाई देखिए शकल कैसे बनाई हुई है, हंसती हंसी क्या खूब लगती है। चलो तो दोस्तों मैडम जी अभी काफी हद तक मान गए, अभी इनके लिए ले जा रहे हैं इनके मन पसंद फ्रूटी खरीदने के लिए। पाके। क्या पाके। हाँ ओके जा। तो दोस्तों मैडम जी के लिए अभी लेके आ गए हम, देखिए इनके हाथों में है फ्रूटी और चिप्स। तो अभी मैडम जी मान गए हैं, मान गए हो ना बेटा, है तो बोलो एक बार राधे राधे। अभी देखिए फ्रूटी गिरा है, बोल एक बार बोल दीजिए राधे 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 राधे। और दोस्तों काफी कंट्रोल हम लोग कर दिया है, क्योंकि हम जानते हैं कि ये बुटुल के लिए थोड़ा सा हेल्थ के लिए मतलब हानिकारक है, नहीं खिलाते नहीं खिलाते लोग, काफी कंट्रोल कर दिया लोग। बट अभी आज आज मतलब दो चार दिनों बाद अपने दुकान से 300 रुपए कमाई हुई है जो कि इसमें है, तो उसी खुशी में बुटुल के लिए आज दिला दिए चीज। और दोस्तों मेरा वोट पे परी मार के फोड़ दिए, बताइए हमको लग रहा है कि थोड़ा हम जा रहे हैं सुंदर लग रहे हैं। बोल रही है ना कि हमारा वोट फूल गया है, तो हमको लग रहा है कि हम अच्छे दिख रहा है, तो हम बोले ठीक है जब फिर से पचक जाएगा ना फिर से एक पंच मरवा लेना मुंह पे। फ्रॉक के लिए दोस्तों फ्रॉक और गुड्डा के लिए, तो अभी खा के और मस्ती कर लो। ओके गुड मॉर्निंग बेटा, हमारी बुटुल का अभी देखिए सुबह भी हो गया है, और अभी देख रही थी बुटुल एक शॉर्ट वीडियो था जिसमें बोल रहा था पका पेड़ या पका पपीता, नहीं ऐसा थोड़ी और उसी समय से ज्योति ट्राई कर रही थी, उसमें यह था कि पके पेड़ पे पका पपीता, पका पेड़ या पका पपीता पके पेड़ को पकड़े पिंकू, पिंकू पकड़े पका पपीता। अरे ज्योति ट्राई कर रही है, देखिए कैसे ट्राई करे, करोगी ज्योति पके पेड़ पर पका पपीता, पका पेड़ या पका पपीता पकड़े पेड़ को पक शुरुआती है जी पका पेड़ पर पका पपीता, पके पेड़ या पका पपीता पकड़े पके पेड़ पर पका पपीता, पका पेड़ या पका पपीता पके पेड़ पर पका पपीता, पका पेड़ या पका पपीता। मैं एक ही बार में सीख गया दोस्तों, फिर से सुनाता हूँ। पके पेड़ पे पका पपीता, पका पेड़ या पका पपीता पके पेड़ को पकड़े पिंकू, पिंकू पकड़े। अब दोस्तों एक बार बुटुल सुनाइए, आप बोलो बेटा पके पेड़ पे पका पपीता, बोलो एकदम बोल दिया एकदम राइट। आप लोग भी ट्राई कीजिएगा अगर नहीं किए होंगे तो। अभी रुक जाए, देखिए ज्योति अभी शॉर्ट वीडियो बोल रही थी कि हमारे बाल का शॉर्ट वीडियो बनाइए,
तो बोटुल भी अपना बाल खुलवा रही है, बोल रही है कि अभी रुक जाए पापा मेरा भी वीडियो। तो दोस्तों फाइनली आज का खाना आ गया है हम लोग का। अभी ज्योति बना के लाई है, ये आप देखिए यहाँ पे मूली है। और दोस्तों दिन दोपहर का चावल बचा था, ज्यादा बन गया था तो उसी को फ्राई कर लिया हम लोग। बाकी आज नेनुआ लेके आए थे बनाने के लिए, लेकिन ज्योति बोली कि उसी को फ्राई कर लेते हैं लोग, तो फ्राई कर लिए लोग। तो दोस्तों आइए आप लोग भी हमारे साथ खाना खाने। हेलो दोस्तों, आज है नेक्स्ट डे, तो आप सभी को सुबह का प्यार भरा गुड मॉर्निंग। एंड हम लोग जग गए हैं अभी, हमारी देखिए बूटुल अभी सो रही है और ज्योति अभी सफाई अभियान चला रही थी पूरे घर में। दोस्तों पूरे घर में साफ सफाई करके और पूरा घर क्लीन कर दिया। और दोस्तों रोज की तरह मैं जा रहा हूँ अभी सुबह मंडी, 7 बज गया क्या देती। तो फाइनली दोस्तों अभी मैं पहुँच गया हूँ रूम पे मंडी से, और अभी 11 बज रहे हैं। और बाकी ज्योति खाना बना के रेडी रखी थी, ये देखिए चावल है और चना सब्जी है, मतलब चना नेनुआ और मूली डाल के सब्जी बनाई हुई है जो कि काफ़ी टेस्टी लगता है, आप लोग भी ट्राई कीजिएगा। और हमारे बुटुल को देखिए अभी यहाँ बैठ के पानी पी रही है। रात दोस्तों आइए आप लोग भी खाना खा लीजिए हम लोगों के साथ में, जल्दी जल्दी खा लीजिए दोस्तों। लो लो खुद से पहन लो, खुद से पहन लो। अभी देखिए फ्राक नहीं पहना रहा है ना, तो बोल रही है कि मैं घर से जा रहा है, ऐसे पूरा गुस्सा होके जा रही है, जाओ घर से। दोस्तों खाना पीना खा के अभी हम लोग आए थे छत पे, छत पे कपड़ा सूखने के लिए डाली है ज्योति धो के, तो चेक करना था कि कौन कौन सा सूख गया है। तो बाकी धूप भी खाना था, बट धूप बहुत तेज निकला है, वहाँ पीछे देख सकते हैं बहुत ही तेज धूप निकला हुआ, शरीर तप रहा है। बाबू कहाँ बाबू वो चोल को देखिए यहाँ पीछे खड़े होकर दूध पी रहे हैं अभी। दोस्तों हम लोगों के रूम के बगल में अष्टजाम हो रहा है, इसीलिए बैकग्राउंड साउंड ज़्यादा आ जा रहा है, क्या ज्योति। और दोस्तों हम लोगों की ज़िंदगी में बहुत ही बदलाव दिख रहा है, हम लोग खुद देख सकते हैं महसूस कर सकते हैं, क्योंकि पहले बहुत ही ज़्यादा हम लोग उदास रहते थे लोग, और अभी आप लोगों के कारण हम लोग बहुत ही खुश रह रहे हैं लोग। और ये खुशी देने के लिए आप सभी को तहे दिल से धन्यवाद, और ऐसे ही अपना प्यार और आशीर्वाद हम लोगों पे बनाए रखिए ताकि हम लोग हमेशा खुश रहें और आप लोग भी हमेशा खुश रहिए, खुशियाँ बांटिए। और दोस्तों हमें भी मतलब भाई का कभी बहुत महसूस होता था, हर साल या हर वक्त हमको मतलब अपने भाई का बहुत याद आता है, और सोचते थे कि काश कोई मतलब मुझे भी बहन करके बुलाता अभी। और जब से हम लोग यूट्यूब पे आए हैं काफ़ी सारा बहुत सारे भाई मिल गए हम लोग है ना। सबसे बड़ी खुशी ये है कि मतलब ज्योति को मतलब जब भी रक्षाबंधन आता था ना, एक शॉर्ट वीडियो भी हम लोग डाले हैं रक्षाबंधन के दिन, ज्योति बहुत ही ज़्यादा रो रही थी, और हर एक रक्षाबंधन के दिन रोती है, बट शायद अगले रक्षाबंधन में ज्योति को रोना सारा भाई हो जाएंगे। ज्योति को रोना नहीं पड़ेगा, ज्योति के सामने भी कलाई होगा राखी बांधने के लिए, और हमारी ज्योति को इतना ज़्यादा खुशी देने के लिए आप। और एक भैया तो बोले थे कि इनको कि मेरी बहन को खुश रखो, हमको ये कमेंट पढ़ के ना सच में दोस्तों बहुत अच्छा लगा कि मेरा जो भाई अपना भाई नहीं बोल पाया, आज यूट्यूब की वजह से हमें जो भाई मिले हैं वो मेरा मतलब इतना केयर कर रहे हैं, इतना ख्याल रख रहे हैं। और आप सभी हम सभी को मतलब हम तीनों को बहुत ज़्यादा प्यार दिए, बहुत ज़्यादा दुलार दिए, और ऐसे ही आगे देते रहिएगा, बस आप लोगों से यही कहना था। और इस ब्लॉग को रहने देते हैं यहीं तक, आशा करते हैं कि ये ब्लॉग आप लोगों को अच्छा लगा होगा, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, और हमारे चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा ताकि नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे, हम इससे भी अच्छी अच्छी ब्लॉग आप लोगों को बना के देते रहेंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद दोस्तों।